इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने 3 दशक तक किया था पर्दे पर राज, धर्मेंद्र को दिया था पहला ब्रेक। फेमस फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगुरानी का आज जन्मदिन है। 60 से लेकर 90 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। अर्जुन की बेहतरीन फिल्मों में कौन करे कुर्बानी, सहेली, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी शामिल हैं। बीते साल 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अर्जुन हिंगुरानी के बारे में कहा जाता है कि वे फिल्मों के टाइटल में 3 का को बहुत शुभ मानते थे। यहां तक कि सल्तनत के टाइटल में 3 का लगाने के चलते फिल्म के नाम के साथ टैगलाइन कारनामे कमाल के तक जोड़ दी थी। अर्जुन हिंगुरानी ने धर्मेंद्र को पहला ब्रेक दिया था। धर्मेंद्र ने साल 1960 में अर्जुन हिंगुरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। अर्जुन हिंगुरानी ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र को लेकर कहा था कि अक्सर मुझे स्टूडियो और निर्देशकों के पास एक खूबसूरत हैंडसम लड़का टकरा जाया करता था जो पंजाब से आया था। पूछने पर मैं भी बतलाता कि काम नहीं मिला और वो भी यही कहता। एक दिन न जाने क्या बात हुई, वे मिला और मेरे मुंह से निकल गया। अब मैं हीरो के बजाय निर्देशक बनने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई फिल्म मिल गई तो उसके हीरो तुम ही होगे। तब धर्मेंद्र को भी शायद यहाँ दिलासा ही लगा होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब अर्जुन हिंगुरानी ने 51 रुपए का साइनिंग अमाउंट देकर उन्हें हीरो के रूप में अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए अनुबंधित किया तो धर्मेंद्र की खुशी का ठिकाना न रहा। इस तरह वे उनके पहले निर्देशक बने। इसके बाद अर्जुन ने एक बार फिर धर्मेंद्र को याद किया और एक बिल्कुल अलग रहस्य प्रधान कहानी लेकर कब क्यों और कहां फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म को सुपरहिट फिल्म का दर्जा मिला। कहानी किस्मत की के बाद धर्मेंद्र और अर्जुन हिंगुरानी के सितारे चल निकले।